आपको करण जौहर का वह विवादित वीडियो तो याद ही होगा जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पिछले वर्ष पोस्ट किया था। अब ऐसा लगता है कि इस वीडियो में शामिल सभी बॉलीवुड हस्तियों पर एनसीबी शिकंजा कसने वाली है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी के समक्ष इस बात को स्वीकार किया था कि लगभग 80% बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स का सेवन करते हैं। इस बयान के पश्चात एनसीबी एक पुराने वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है जिसमें लोगों को लगता है कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने नशीले पदार्थों का सेवन किया था। इस वीडियो से जुड़े सेलिब्रिटीज को एनसीबी इस मामले में समन करेगी। लेकिन उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसके कारण बॉलीवुड की एलीट वर्क से आने वाले दिनों में खलबली मच गई है। दरअसल करण जौहर द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में कई जाने माने बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री थे जिसमें निर्देशक शकुन बत्रा, जोया अख्तर एवं आयान मुखर्जी, अभिनेता रणबीर कपूर, विकी कौशल, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, शाहिद कपूर एवं अभिनेत्रियां दीपिका पदुकोण, मलाइका अरोड़ा इत्यादि शामिल थे। अगर वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो शकुन बत्रा और कुछ हद तक शाहिद कपूर को छोड़कर बाकी सब पूरी तरह से नशे में धुत थे और कुछ जगह तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोकेन के अवशेष बचे हुए थे। इस वीडियो को शेयर कर शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया था, उड़ता बॉलीवुड, ये है यथार्थ और कल्पना के बीच का अंतर। देखिए कैसे बॉलीवुड के रईस और एलीट वर्ग के लोग अपने नशे की धुत स्थिति में गाजे बाजे के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि आप नशे में इस बेहुदा प्रदर्शन को त्रास्त हैं, तो इसे रीट्वीट करें। इसके अलावा इस वीडियो पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी आपत्ति जताते हुए एक सामाजिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पूछा था, मैं करण जौहर से पूछता हूँ, यदि हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी पर आप ही के शो में ओछी भाषा का प्रयोग करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है तो भला बॉलीवुड सितारे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं हो सकते? यदि हम निर्वाचित नेता जनता के उत्तरदायी हैं, तो हमारे सितारे भी ऑफ स्क्रीन अपने एक्शंस के लिए उत्तरदायी हैं। इस पत्र के साथ ही सिरसा ने मुंबई पुलिस से इन सितारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की। अब ऐसा लगता है कि इस वीडियो में मौजूद सितारों पर भी एनसीबी का शिकंजा कसने वाला है। यदि एनसीबी की जांच पड़ताल में ये सिद्ध होता है कि वीडियो में उपस्थित सितारों ने नशीले पदार्थों का सेवन किया था तो ऐसे में बॉलीवुड में भी स्वच्छ भारत अभियान जैसे आंदोलन की बेहद सख्त आवश्यकता है। एनसीबी बॉलीवुड के एक वायरल वीडियो की जांच करने जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा एनसीबी चीफ से मुलाकात की और एक साल पहले वायरल हुए वीडियो की जांच करने की मांग करी। इस वीडियो में करण जौहर, विकी कौशल, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोरा, अर्जुन कपूर और वरुण धवन समेत अन्य सितारे नजर आ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है कि इन लोगों ने पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया था। इसी वीडियो की जांच अब एनसीबी के अधिकारी करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए भी शिकायत की जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैंने आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना से मुलाकात की। मुंबई में अपने घर पर ड्रग्स पार्टी के आयोजन के लिए फिल्म निर्माता करण जौहर और दूसरों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए शिकायत भी की है और उस वीडियो की जांच भी होनी चाहिए। सिरसा ने एक और वीडियो पर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, याद कर लीजिए इस वीडियो में दिख रहे हर चेहरे को। कुछ ही दिनों में ये लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर लाइन लगाते हुए खड़े नजर आएंगे, अपनी ड्रग्स पार्टियों के कारण जेल जाने की तैयारी में। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक साल पहले भी ये वीडियो ट्वीट करके शिकायत दर्ज कराई थी। सिरसा का आरोप है करण जौहर के घर में हुई इस पार्टी में नजर आ रहा है किस तरह सितारे ड्रग्स ले रहे हैं। इस पर करण जौहर और विकी कौशल की सफाई भी आ चुकी है। करण जौहर ने वायरल वीडियो को लेकर कहा था कि मैंने खुद ये वीडियो बनाया है, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि ड्रग्स का सेवन करके वीडियो खुद सोशल मीडिया पर डालूंगा। करण ने कहा कि उसकी माँ भी थोड़ी दूर पर ही थी। वहीं विकी कौशल ने कहा कि करण ने 3 बार में ये वीडियो बनाया था, ऐसे में मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब बना और नाक में खुजली करना बहुत नॉर्मल है, इसे ड्रग से जोड़ना गलत है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।